नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और मेरे साथ हैं फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और अपना दल के नेता पंकज निरंजन जी। पंकज निरंजन जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप फूलपुर क्षेत्र में कैसे बने हैं? आपकी जनता आपसे मिलना चाहती है? तो मेरी जनता मुझसे मिल रही है, मेरी जनता मुझसे मिल रही है। और मतलब आप इसी बारे में और कुछ बताइए, आप मतलब यहाँ की क्या समस्याएं हैं जो आप इस चुनाव में मतलब दिखा। फूलपुर जिस संसदीय जो सीमा है उसकी, जो सरकार ने तय की है, वो इलाहाबाद का वो क्षेत्र है या उस तरह के वर्ग का निवास क्षेत्र है जो भारत और इंडिया दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, यहाँ के मतदाताओं का अपना एक ऐतिहासिक गर्व का भी विषय रहा है कि इन्होंने देश की राजनीति तय की है जी। आज़ादी आंदोलन में उनका अपना इतिहास है। तो मैं ये मानता हूँ कि फूलपुर की समस्या संकट जी जो है वो नेतृत्व का है। अच्छा। फूलपुर को जनप्रतिनिधि से ज़्यादा नेता की आवश्यकता है। पर फिर भी कुछ ऐसे तो विषय होंगे जिनका अविलंब समाधान होना जरूरी होगा। ऐसे तो बहुत सारे रोजमर्रा का, तो अभी तो सबसे बड़ा फूलपुर क्या, पूरे प्रदेश पूरे देश में जी। आम आदमी के, गरीब आदमी के, खेतिहर किसान मजदूर के, बच्चों की पढ़ाई और दवाई का संकट है, तो वो तो फूलपुर में भी है जी। जिसको हम ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट के गौरव से जानते रहे हों, उस विश्वविद्यालय की अब उत्पादकता क्या है, उसकी क्या गुणवत्ता है। तो समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि फूलपुर को जो चाहिए जी। वो उसके नेता के मिलने के बाद ही मिल पाएगा। अच्छा। एक सवाल सब जानना चाहते हैं, आप अपना दल के नेता हैं या कांग्रेस के, क्योंकि एक समय पे आप कांग्रेस से भी लड़ चुके हैं। मैं अपना दल का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ हूँ और अपना दल का ही कार्यकर्ता हूँ। मेरे चुनाव में घोषित रूप से मैं गठबंधन का प्रत्याशी रहा हूँ, और मैं कांग्रेस में हूँ या नहीं हूँ ये कांग्रेस के नेतृत्व को सवाल और जवाब होना चाहिए मेरी वजह। आगामी विधानसभा चुनाव में काफ़ी कम समय बचा है, तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य कुछ बदलेगा या यही रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी वही संकट है। उत्तर प्रदेश पूरी देश की तरह, बल्कि मैं कहूँगा देश के बहुत सारे राज्यों की तुलना में ज़्यादा भुखमरी और गरीबी की तरफ बढ़ा है। और चूंकि उत्तर प्रदेश किसानों का राज्य है, 100 में से 90 किसान वहाँ रहते हैं, किसानों की जो उनकी जो भूख है, उनकी जो गरीबी है, तो हमें लगता है कि वो आवश्यक है कि ये व्यवस्था परिवर्तित हो जानी चाहिए, क्योंकि इस सोच इस समझ के लोग जो सरकार में अभी बैठे हैं वो उनसे बिल्कुल अलग तरह ले जा रहे हैं समाज को। विधानसभा चुनाव में आपके हिसाब से क्या तीसरा मोर्चा बनेगा, और अगर बनेगा तो उसकी अगुवाई कौन करेगा? देखिए, अगुवाई कौन करेगा इस सवाल के लिए मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, और मोर्चा बनेगा तो मैं मानता हूँ कि मोर्चा बना हुआ है और मोर्चे की ही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ वहाँ से जो लोग एक कहते हैं ना कि जोड़ तंगोड़ के कुछ बनाना जुगाड़, वैसा बनाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में जो मंत्री हैं सरकार की, उनमें से आप देखेंगी तो बहुत सारे दलों के लोग हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक लोग नहीं हैं। खुद फूलपुर से जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक तल पर कोई समानता नहीं है जी। ऐसा है तो मोर्चा तो अभी बने ही हुआ है, मोर्चे की तो सरकार है जी। मोर्चे के खिलाफ अगर मोर्चे की जरूरत पड़ेगी तो बनेगा। अच्छा। उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी हद तक दो ध्रुवीय हो गई है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में। आपको क्या लगता है इसकी वजह से छोटे दलों की राजनीति कहीं काफी हद तक समाप्त नहीं हो गई है? नहीं, मैं
आपसे कहना चाहूँगा कि मैं सहमत नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति अभी एक ध्रुवी ही थी। अच्छा। और अगर वो दो ध्रुवी है तो वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी नहीं है। अच्छा। तो मैं अभी आपके सवाल से सहमत नहीं था, इसलिए आपकी नेता पद यात्रा जो है कमेरा समाज के लिए कर रही है जी, इस यात्रा ने किस हद तक अपने मकसद को सार्थक किया है? देखिए, मेरी नेता और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्षा सम्मान्य पल्लवी जी, वो जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो जिस विचारधारा के तल पर खड़े किए संगठन को नेतृत्व कर रही हैं, तो उसके धरातल में ही कमेरा समाज के उत्थान, उसके हक अधिकार की बात है, और इसी कारण से, उस विचारधारा के कारण ही उस दल का गठन हुआ। तो उसमें ये कोई पैरामीटर नहीं है कि आपने दो दिन में क्या हासिल कर लिया, उसमें पूरे जीवन का समर्पण है और वो वैचारिकता का समर्पण है, उस विचार के प्रति समर्पण है। तो वो लगातार अनवरत जीवन भर डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने किया और लोगों ने किया, लाखों करोड़ों लोगों ने किया, उसके बाद आज वो सारे कार्यकर्ता ये मानते हैं कि पल्लवी जी का नेतृत्व उनके लिए ज़रूरी है, तो पल्लवी जी उस विचारधारा के लिए अपना समर्पण दे रही हैं, और मुझे लगता है कि ये आजीवन काम है जी। इसको साल दो साल में या इसमें नापना उचित नहीं होगा जी। 10-20 साल 25 साल जब हम देते हैं जी। उसके बाद फिर हम पलट कर उसका आकलन करें। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के काफ़ी दावेदार रहे हैं और उनके नाम पे काफ़ी सारी पार्टियां बन गई हैं, किसान आंदोलन इस सब में कहाँ कहीं खो नहीं गया है? सोनीलाल साहब बहुत बड़े आदमी थे, बल्कि ये कहना चाहिए कि उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग की राजनीति में अगर आंदोलनकारी चरित्र के हिसाब से आकलन किया जाए तो सोनेलाल साहब के कद का कोई आदमी नहीं मिलता उनके समय में। रहा सवाल उनके बाद उनकी दावेदारी का, तो मैं इस बात को पूरी सिरे से खारिज करता हूँ, उनकी कोई दावेदारी हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए दिया, उनके जो गरीब थे उनके दर्द वेदना उसको उठाने के लिए दिया। तो जिसको इस तरह की संघर्ष की इच्छा हो वो स्वाभाविक दावेदार है, उनका दावेदारी करने की ज़रूरत नहीं है। और जो दूसरा आपने पूछा कि उनके नाम पर कई पार्टियां बन गई हैं, कई का तो मुझे नहीं मालूम, एक कोई पार्टी है जो उनका नाम लिखती है, लेकिन वो उस पर भी बेईमानी कर गए, निहायत ही घटिया और बहुत स्तरहीन तरह की मानसिकता के लोग थे जिन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब का नाम पहले सोनेलाल किया और फिर एस कर दिया, लेकिन वो भूल गए कि उस महामानव का कद नाम कुछ घटाया नहीं जा सकता। किसान आंदोलन तो नाम कोई कुछ भी हो, जो लोग किसानों के हितैषी हैं वो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस तरह के आंदोलनों में अनवरत कोशिशरत हैं, प्रयासरत हैं, चाहे पंजाब हो चाहे दक्षिण भारत हो कहीं पर भी। हाँ, ये और बात है कि अभी तक किसान आंदोलनों ने राजनीतिक परिणाम को नहीं पाया है। जिस दिन भारत का किसान आंदोलन एक राजनीतिक परिणाम को पालेगा उस दिन वो सफल हो जाएगा। तो आप एक तरीके से कहना चाहते हैं कि किसानों की दशा में जो सुधार नहीं हुआ है वो राजनीतिक परिदृश्य की वजह से है? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि अब तक भारत के किसानों को और किसान आंदोलनों को गैर राजनीतिक होने का ये नुकसान हुआ। चाहे 80 के दशक में महेंद्र सिंह टिकैत जी और नंजुदा स्वामी दक्षिण भारत में, चाहे जोशी साहब महाराष्ट्र में, पूरे देश में ये जो किसान आंदोलन हुआ था, करोड़ों लोग दिल्ली की वोट क्लब की रैली इतिहास तारीख में गवाह है, लेकिन उन्होंने भी उसको खुद को अपने आप को गैर राजनीतिक कह दिया। प्रश्न ये है कि ये सारे निर्णय जहाँ से होने हैं उन जगहों पर टेबल के उस तरफ जब तक खुद वो आदमी नहीं पहुंचेगा जिसके दुख तकलीफ हैं, तब तक उसके हित में निर्णय नहीं होंगे। इसलिए किसान को राजनीतिक होना पड़ेगा। अच्छा। राजनीति में भाग लेना पड़ेगा और उस जगह तक पहुंचना पड़ेगा जहां निर्णय होते हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूं। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार को और उसके फैसलों को आप 10 के अंकों पर कितनी रैंकिंग देना चाहेंगे? 11 इसलिए क्योंकि इस सरकार का नेतृत्व
योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं और योगी जी नाथ संप्रदाय की जो भारतीय जो कर्मकांड एक परंपरा भक्त परंपरा है, भक्ति आंदोलन है, उसमें गोरख की परंपरा है जी। उसके वो महामंडलेश्वर हैं। महामंडलेश्वर किसी भी मुख्यमंत्री मंत्री प्रधानमंत्री से बड़ा एक दायित्व पद होता है, तो इतना बड़ा व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए है तो मैं उसमें कहूँगा कि वो सरकार 10 में से 11 अंक पर चल रही है। आखिर आप क्या वजह मानते हैं कि अपना दल अभी भी क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल नहीं कर पाई है? देखिए, इसमें वजह एक ही होती है कि अभी जो सरकार या सरकारी बाबुओं द्वारा तय किया गया नियम है उसके उतने उस नियम तक अपना दल नहीं पहुंचा। अब नहीं पहुंचा तो उसके कई कारण हैं। उसके कारण ये हैं कि एक तो डॉक्टर साहब का संदिग्ध परिस्थितियों में जो उनकी हत्या की गई और उस उनके गुजर जाने के तुरंत 15-16-17 दिन बाद जिस तरह का माहौल क्रिएट करके अपना दल को डैमेज किया गया, तोड़ा गया, कैसे करके अपना दल को ब्रेक किया जाए, तो कुछ थोड़ा सा उसमें ब्रेक आया, लेकिन इसका बहुत फर्क नहीं पड़ता। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपके माध्यम से उन सभी लोगों को जिनको इस बात की चिंता है ये कहना चाहता हूँ कि पल्लवी जी के नेतृत्व में अपना दल अपनी उद्देश्य की सार्थकता तक पहुँचेगा, सफलता से भी आगे पहुँचेगा। आजकल के परिदृश्य में कोरोना काल में नौकरियां समाप्त हो रही हैं, काफ़ी सारे युवक बेरोजगार घूम रहे हैं, ऐसे में उनकी समस्या को उठाने के लिए आप क्या तरीका अपना रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मुझसे मिलने भी आई हैं और ये सवाल कर रही हैं। आप देख रही हैं कि हम उनके लिए क्या तरीका उठा रहे हैं। हम अपना तो ये केवल किसानों के लिए नहीं है, ये हाँ आप युवकों के लिए। कौन बेरोजगार है? किसान का ही बेटा बेरोजगार है जी। मजदूर का ही बेटा बेरोजगार है। एक मजदूर ही तो बेरोजगार हुआ है। सही बात जी। एक किसान ही तो बेरोजगार हुआ है, और कौन बेरोजगार हुआ है जी। तो हम उन्हीं का तो मुद्दा उठा रहे हैं, उन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि उन बेचारों के पास, मैं आपसे कहूं, बुंदेलखंड में हमने एक घटना देखी, हम दोनों की आंख में आंसू आ गए। हम एक महिला से मिले, उसके दो बच्चे थे, एक दुधमुहा बच्चा था, एक थोड़ा सा और बड़ा था। उसकी गरीबी की ये हालत थी कि उसके पास इतनी भी रोटी खाने के लिए नहीं थी कि उसके शरीर में दूध बन जाए तो वो अपने बच्चों को पिला सके। ये भयावहता है समाज में, ये समाज की वास्तविकता है। तो हम उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। हमें अभी ये रास्ता सूझा कि हम लोगों के बीच में जाके वहाँ उनके बीच में बैठ जाएं, उन्हीं के साथ मिलें जुलें। हमें नहीं करनी इस पर राजनीति। हम भूख रोटी गरीबी पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई तो उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा हो जाए। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ कि हम ये मान लेते हैं कि सरकार में बैठे लोग तो सरकारी बड़ी जिम्मेदारियों में या कुछ जो भी में व्यस्त होंगे, विपक्ष के लोग भी ऐसी कमरों से क्यों नहीं निकल रहे हैं? वो क्यों नहीं जा रहे हैं उस गरीब का आँख का आंसू पोंछने? वो रोटी का दवाई का इंतजाम ना भी कर सकें तो उसके दुख और दर्द तो बांट सकते हैं, उनको भी जाना चाहिए। सही बात है। मेरा अंतिम सवाल ये है कि क्या अपना दल के सारे अलग अलग गुट क्या कभी एक हो सकते हैं? कहा जाता है कि राजनीति में सारे के सारे क्षेत्र खुले होते हैं, मतलब ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, आपको ऐसा? देखिए, मेरी जानकारी में बहुत सारे लोग अपना दल से गए, लेकिन प्रभावी तौर पर जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुए वो लोग चूंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम और वोट उनको शिफ्ट हुआ तो वो क्षणिक और तात्कालिक रूप से कुछ, जैसे आपने सुना होगा अंतरिक्ष में सारे प्लैनेट अंधेरे में हैं, सन लाइट जो है वो उनको चमकाती है जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो लाइट है वो इन पर पड़ी तो इन्हें लगा कि ये चमकदार है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमारा कोई किसी से मतभेद है। अच्छा। मेरा तो व्यक्तिगत पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर किसी से कोई मतभेद नहीं। मैं अपनी तरह का व्यक्ति हूँ, मैं जिस बात से सहमत हूँ उस बात को कर रहा हूँ। इनका एक होने का सवाल है, वो जिन कारणों से छोड़ के गए हों
उन पर विचार कर लें और वापस आना चाहें तो स्वागत है उनका। उनके जाने का मुझे कोई दुख नहीं है और उनके आने से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी, लेकिन दल के हित में आ जाएं तो अच्छी बात है। आखिर में आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देना चाहूँगा कि लगभग गुलामी के कगार पर खड़े हो चुके हैं लोग, अब राजनीति और राजनीतिक जो जुमलेबाजी और जो लच्छेबाजी है उन सबसे बाहर निकलें और देखें कि ये जो चमकदार चेहरे हैं ये उन्हें गुलाम बना रहे हैं, उनके पेट की रोटी छीन रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई और दवाई छीने ले रहे हैं। तो आंदोलित हों, लड़ें, एक हों, तभी संभवतः हम इस बात से उबर पाएंगे, संकट से। मनोज तिवारी टॉक शो में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे अपना दल के नेता पंकज निरंजन जी को, जिन्होंने कहा कि फूलपुर से उन्होंने काफ़ी मुद्दों को उठाया है और कमेरा समाज के मुद्दों को जिस दिन लोग सही तरीके से समझेंगे और राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा उस दिन असल रूप से राजनीति की जीत होगी। ऐसे ही कई सारे जनप्रतिनिधियों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। इजाज़त दीजिए मुझे प्रज्ञा वत्सल को और देखते रहिए मनोज तिवारी को।